ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इनम डिफाइन किया, ठीक है, इनम वीकडेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, इनम वीकडेज। ठीक है, वीकडेज में कौन कौन से डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, मैंने यहाँ पे संडे की वैल्यू दिया 1, संडे में वैल्यू क्या दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, अब मंडे के लिए वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, मतलब 1 + 1 2। ठीक है, ट्यूसडे के लिए क्या आएगा, 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6, सैटरडे के लिए 7। समझ गए, जो भी प्रीवियस वैल्यू रहेगा प्लस 1 करेगा हमेशा। ठीक है, अगर हम लोग चाहते तो मंडे को यहाँ पे 5 भी दे सकते थे, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ट्यूसडे का क्या होगा फिर, 6 होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। तो संडे के लिए है 1, मंडे के लिए है 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5 और फ्राइडे के लिए 6, सैटरडे के लिए 7। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन पे। यहाँ पे मैंने इस ई नम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, ई नम वीक डेज डब्लू। ठीक है, फिर डब्लू इक्वल टू मंडे मैंने दे दिया यहाँ पे, क्या दिया, डब्लू इक्वल टू मंडे। ठीक है, अब वेरिएबल हमने किसका बनाया है, वीक डेज का बनाया है। ठीक है, और डब्लू में मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, मंडे असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये वीक डेज का ही एक एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, वीक डेज जो हमने इन्यूमरेटेड डेटा टाइप यहाँ पे बनाया है उसी का ही एक एलिमेंट है। और उसमें कौन सा नंबर असाइन है, मंडे की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, अगर मैं इस W को प्रिंट करता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने प्रिंट किया द वैल्यू ऑफ W इज %D और यहां प्रिंट किया W। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा पक्का। तो यहां पे देखो द वैल्यू ऑफ W इज 2 प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि जितने भी इसके मेंबर्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, अगर हम लोग उसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करते हैं तो जो भी उसमें इंटीजर वैल्यू असाइन किया गया होगा वो वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है, हमने एक नंबर को क्या किया, एक नेम दे दिया। ठीक है, हमने एक नंबर को एक नेम दिया, लेकिन हमेशा जब भी हम लोग इसको असाइन करेंगे वो एक्चुअल नंबर ही असाइन होगा। सिर्फ ये दिखाने के लिए हम लोग नंबर को यहाँ पे नेम दे दिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो वैल्यू ही है, वो इंटीजर वैल्यूज ही होगा। ठीक है, आया समझ में। तो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप में हमेशा इंटीजर वैल्यूज ही होगा, इंटीजर वैल्यूज को हम लोग एक नेम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, आ गया पक्का। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमने एक इनम बनाया मंथ्स। ठीक है, और मंथ में कितने मंथ रहते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया जेन इक्वल टू 1, फेब के लिए क्या होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 12। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट किया और मैंने यहाँ पे लगाया है लूप। ठीक है, फॉर लूप, आई सॉरी इंट आई इक्वल टू जेन से स्टार्ट किया, आई इज लेस देन इक्वल टू डिसम्बर। एक्चुअल में हम लोग वहां वैल्यू लेते थे जब हम लोग लूप लगाते थे, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते थे और लेस देन 12 तक हम लोग जाते थे। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, आई इक्वल टू जेन से स्टार्ट किया और आई लेस देन इक्वल टू डिसम्बर तक हम लोग गए। ठीक है, तो जेन की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट हो रहा है और आई इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे %D और आई की वैल्यू हम लोग प्रिंट करेंगे। तो आई की वैल्यू जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो हम लोग को इस टाइप के इंटीजर वैल्यूज देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप के इंटीजर वैल्यूज हम लोग को आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग लूप लगा के भी इस ई नम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, कुछ डाउट है। अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं।
ठीक है। द इनम इज यूज वेन वी वॉन्ट अवर वेरिएबल्स टू हैव ओनली सेट ऑफ वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट ए डायरेक्शन वेरिएबल, ठीक है, या फिर हम लोग कुछ एक मंथ टाइप का लेते हैं, या तो हम लोग ट्रू फॉल्स लेते हैं, इस टाइप का जो भी हम लोग को फिक्स्ड वैल्यूज लेनी होती है, ठीक है, वैल्यू हम लोग को फिक्स लेनी होती है, उस केस में हम लोग इनम का यूज करते हैं। अब जैसे डायरेक्शन, हम लोग एक इनम बनाते हैं तो डायरेक्शन में फोर वैल्यूज होती है, कौन कौन सी होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। मंथ्स की अगर बात करें तो मंथ्स कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अगर डेज की बात करें, ठीक है, तो 7 डेज होते हैं, ठीक है। एक मंथ में कितना डेज होते हैं, 30, 31 या 28, ठीक है, तो बेसिकली 30 लेके चला जाता है कभी भी, ठीक है, 30 डेज ही काउंट होता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब एक एग्जांपल और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने स्विच केस का यूज किया है, किसका यूज किया है, स्विच केस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इनम बनाया डेज, ठीक है, वही संडे मंडे वाला, संडे इक्वल टू 1 हम लोग दे दिए, तो मंडे के लिए वैल्यू होगी 2, ट्यूजडे के लिए होगी 3, वेडनेसडे के लिए 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इनम का एक वेरिएबल बनाया डेज डी, ठीक है, डी नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और डी में मैंने क्या स्टोर किया, मंडे स्टोर कर लिया, ठीक है, और इस डी को मैंने पास किया है इस स्विच में, ठीक है। अब इस डी की वैल्यू को हम लोग डिफरेंट केसेस से मैच करेंगे, ठीक है, डिफरेंट केसेस से मैच कर रहे हैं। अब यहां पे देखो, एक्चुअल मंडे की वैल्यू क्या है, 2 है, एक्चुअल वैल्यू उस मंडे की क्या है, 2 है, ठीक है, और मैंने यहां पे पास किया है डी, इस डी में वैल्यू है मंडे की, मतलब डी में क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट केसेस बनाए, केस संडे, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करेगा टुडे इज संडे, केस मंडे, टुडे इज मंडे, ठीक है, फिर केस ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे, ऐसे करके मैंने अप टू सैटरडे तक यहाँ पे केस मैंने बना लिया, ठीक है। अब ये बताओ कि ये किस में मैच करेगा, मंडे में मैच करेगा, कैसे मैच करेगा, ये तो स्ट्रिंग वैल्यू है, मंडे एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और हम लोग स्विच केस में कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेते, ये स्ट्रिंग है कि नहीं है, मंडे स्ट्रिंग है, कभी भी हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं क्या स्विच केस में, स्विच केस में दो टाइप की वैल्यू ही हम लोग यूज कर सकते हैं, इंटीजर और कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने मंडे लिया है, मंडे क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है 2, ठीक है, मंडे की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, तो डी के अंदर क्या आएगा, 2, ठीक है। हमने जो यहाँ पे संडे मंडे लिया है वो भी एक्चुअल में इंटीजर वैल्यूज ही है, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, इंटीजर वैल्यू, जब ये डी से उसको मैच करेगा, डी से जब मैच करेगा तो मंडे को मैच करेगा, किसको मैच करेगा, मंडे को मैच करेगा, ठीक है, ये एक्चुअल में स्ट्रिंग वैल्यू को मैच करेगा, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू मैच करने के बाद जब ये डी को मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो उस टाइम पे वो उसको एज ए इंटीजर वैल्यू समझेगा, ठीक है, एज ए इंटीजर वैल्यू समझेगा, क्यों समझेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इनम डेटा टाइप लिया है, डी किस टाइप का है, इनम टाइप का है। अगर हम लोग इस डी को यहाँ पे इटरेट करते हैं, मतलब हम लोग डी को अगर स्विच में पास करते हैं, तो इसके अंदर जितने भी केसेस बनेंगे सब के सब ये डी टाइप के ही होंगे, मतलब इनम टाइप के होंगे, और इनम मतलब इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ मंडे पास करते हैं तो मंडे को मैच कर लेगा, क्योंकि उसको इंटीजर वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इंटीजर वैल्यू ही मिलेगा। आया समझ में कि नहीं आया, आगे सबके समझ में, तो इस प्रकार से हम लोग इनम का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इनम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और फिफ्थ यूनिट जो है हमारा कंप्लीट हो